कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे जिसमें आज एक बार फिर से खाद्य तेल बाजार में, खासतौर से सरसों के बारे में जानेंगे। सरसों सीड में कुछ मंडियों में आज कीमतों के बारे में देखेंगे किस तरह का कारोबार और ट्रेंड सरसों में आज के दिन चल रहा है। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सरसों के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में हल्की फुल्की नरमी के साथ सरसों में कारोबार देखा गया है। दाम जो है वो ज्यादातर मंडियों में आज स्थिर चल रहे हैं। विदेशी बाजारों में सुबह जब बाजार खुला था तो तेजी के साथ कारोबार देखा गया था, विदेशी बाजारों में सुधार आया था, लेकिन दोबारा से अब बाजारों में गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है, जिसका असर खाद्य तेल बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अब गिरावट को देखते हुए जो स्थिरता देखी गई है, स्थिरता को देखते हुए जो कारोबार है उसके बारे में बात करते हैं। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो जयपुर में सरसों सीड की कीमतें 6,800 रुपए हैं, दिल्ली का रेट 6,400 रुपए चल रहा है, बरवाला की कीमतें 6,200 रुपए चल रही हैं, ग्वालियर में सरसों सीड का रेट 6,000 से लेकर 6,100 रुपए के करीब बाजारों में देखा गया है, और हिसार में सरसों सीड की कीमतें 6,200 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। तो हालांकि आज मलेशिया में पाम तेल के दाम में सुधार आया है, विदेशी बाजारों में हल्का फुल्का सुधार के साथ कारोबार देखा गया है, तथा नीचे दाम पर बिक वाली सरसों में इस वक्त कमजोर देखी जा रही है। इसके वजह से इसके भाव में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए लंबी चौड़ी तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बाजारों में जो कारोबार सरसों में देखा गया है कि बारिश का महीना चल रहा है, तो इस वजह से भी बाजारों में अगर आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी तो आपको कई हद तक बाजारों में ज्यादा गिरावट देखने को भी नहीं मिल सकती है। एक रेंज में ही बाजारों में कारोबार देखा जाएगा। आने वाले समय में आपको उसमें हल्का फुल्का सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी चौड़ी तेजी देखने के लिए आपको बाजारों में इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।